क्या वीवो एक इंडियन ब्रांड बन सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिससे आप सोच रहे होंगे कि वीवो तो एक चाइनीज ब्रांड है और मैं इसको एक इंडियन ब्रांड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं अंदर की बात करूँ तो मनी कंट्रोल की तरफ से एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि टाटा ग्रुप अभी वीवो में इंटरेस्ट रख रहा है और वीवो इंडिया के साथ बातचीत कर रहा है और वीवो इंडिया में टाटा ग्रुप 51% की इक्विटी चाहते हैं। अगर 51% की इक्विटी टाटा ग्रुप के पास आती है तो टेक्निकली वीवो एक इंडियन ब्रांड बन जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका इफेक्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं और ये क्यों हो रहा है, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो में कुछ भी मिस मत करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आपको शुरुआत से जानना होगा। कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले जब चाइनीज कंपनियां इंडिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं। तब हमने कहा था कि अब कोई इंडियन कंपनी को आगे आना होगा और इनकी मोनोपोली को खत्म करना होगा। इंडियन मार्केट के बारे में बात करें तो जो सबसे बड़ी नॉन चाइनीज कंपनी है वो है सैमसंग, उसके बाद नंबर आता है लावा का और नथिंग का, और बहुत ही छोटा सा शेयर आता है आईफोन का। और अगर हम इन चारों कंपनियों को हटा दें तो बाकी सारी जितनी भी कंपनियां वो सबकी पेरेंट कंपनी या उनको ऑपरेट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन वो चाइना में है। चाहे हम ओप्पो की बात कर लें, वन प्लस की बात कर लें, रियलमी की बात कर लें, ये सब बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट है। इनकी पेरेंट कंपनी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है और पोको और सोमी अपना अलग ही चल रहे हैं और ट्रेसिन हेलिंग, आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स जैसी कंपनियां इस ग्रुप के अंदर काम कर रही हैं। तो शॉर्ट में समझें तो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट ये चाइनीज कंपनियां ही कंट्रोल करती हैं और चाहे इंडियन कंपनी कुछ भी कर लें, चाहकर भी इंडियन कंपनियां इनका कुछ नहीं कर सकती। देखो, अभी के टाइम पे एक स्मार्टफोन कंपनी को एस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल बात है। एक समय था जहां पर माइक्रोमैक्स और लावा का बोलबाला था और वहां पर तो अभी लगता है कि माइक्रोमैक्स ने अपना स्मार्टफोन बिजनेस शटडाउन कर दिया और लावा बहुत ही मुश्किल से चल पा रही है। देखने में ये लग रहा है कि लावा का कमबैक होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नथिंग जैसी भी कंपनियां आ रही हैं बट अभी के टाइम पे देखा जाए तो वो भी मार्केट में कोई इतना अच्छा खासा सक्सेस हासिल नहीं कर पाए हैं। और सैमसंग जो सबसे पुरानी कंपनियां और जो अभी भी मार्केट में टिकी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या एक चाइनीज कंपनी इंडियन कंपनी बन सकती है तो इसका आंसर है हाँ। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होता है वही कंपनी का मालिक होता है। टेक्निकली चाइनीज ब्रांड इंडियन ब्रांड बन सकता है, तो हो सकता है आने वाले समय में टाटा ग्रुप और वीवो इंडिया के बीच में जो डील फाइनल हो जाएगी तो टेक्निकली वीवो एक इंडियन ब्रांड बन जाएगा। तो ये चीज देखते हैं आगे फ्यूचर में कैसी होने वाली है और इसका कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। आप उसके लिए हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर मैं आपको ये सारी अपडेट्स सबसे पहले अपडेट कर देता हूं। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से नया कुछ जाना और सीखा होगा। नया कुछ जाना और सीखा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और आपका क्या ओपिनियन है उसको कमेंट में बताना। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तब तक के लिए बाय।